नमस्कार, इस वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में सीखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने के ढंग को बताते हैं कि कोई कार्य कैसे हुआ या कैसे होता है या कैसे होगा। तो ऐसे जो शब्द जो हाउ का आंसर होते हैं सेंटेंस में, उनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे एंग्रीली, हैप्पीली, स्लोली, quietly, noisily, beautifully, etc. ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये भी किसी भी सेंटेंस में प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये हाउ का आंसर देते हैं कि कोई कार्य कैसे हुआ या कैसे होता है या कैसे होगा। तो कोई भी ऐसा शब्द जो सेंटेंस में हाउ का आंसर हो, या हम कह सकते हैं कि कार्य करने के ढंग को बताए, वो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वी वॉक्ड स्लोली, हम धीरे धीरे चले। तो वी वॉक्ड, हम चले। हाउ, कैसे चले। तो हाउ का आंसर है स्लोली। तो स्लोली वर्ड हाउ का आंसर है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और हम देख रहे हैं कि यह है कार्य करने के ढंग को बता रहा है। कार्य करना है चलना, तो हम चले। तो कैसे चले, क्या ढंग था चलने का, स्लोली, धीरे धीरे। तो ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी प्रकार सी सेंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली, उसने सुंदर ढंग से गाना गाया। तो सी सेंग द सॉन्ग, उसने गाना गाया। हाउ, कैसे गाया। तो हाउ का आंसर है ब्यूटीफुली, कि सुंदर ढंग से गाया। तो ये ब्यूटीफुली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वर्ड कार्य करने के ढंग को बताता है या सेंटेंस में हाउ का आंसर होता है, तो वो सारे शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो वर्ड्स ly पे ख़त्म होते हैं, अर्थात जो ऐसी एडवर्ब्स जो मैनर को एक्सप्रेस करती हैं, मैनर के बारे में बताती हैं कि कोई कार्य कैसे हुआ या कैसे होता है या कैसे होगा, वो शब्द ly पे ख़त्म होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर ly पे ख़त्म होने वाला वर्ड एडवर्ब हो या एडवर्ब ऑफ मैनर ly पे ही समाप्त हो। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। कैसे मेहनत करता है, हार्ड, कठोर मेहनत करता है। तो यहाँ पे ये हाउ का आंसर है, अर्थात ही वर्क्स, वह मेहनत करता है। हाउ, कैसे मेहनत करता है, हार्ड, कठोर। तो यहाँ पे ये वर्ड ly पे ख़त्म नहीं है, लेकिन ये हाउ का आंसर दे रहा है, ये काम करने के मैनर को बता रहा है। तो ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, देर इज़ नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर कोई सक्सेस नहीं है। यहाँ पर जो ये हार्ड वर्ड है ये वर्क से पहले लगा हुआ है, और वर्क यहाँ पे नाउन है, और ये है इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो ये हार्ड वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो हार्ड वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकती है। अगर ये और जो हार्ड जो एडवर्ब होगी तो इससे पहले कभी भी जो है ly नहीं लगेगा। हालांकि हार्ड के से बाद अगर हम ly लगा देते हैं तो हार्डली बन जाता है, लेकिन उसका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका फिर मीनिंग हो जाता है मुश्किल से। आगे है ही रेन फास्ट। हार्ड की तरह ही फास्ट भी एक ऐसा वर्ड है जो जिसके बाद हम ly नहीं लगाते हैं, और ये भी एडवर्ब होता है। तो सेंटेंस देखते हैं, ही रेन फास्ट, वह तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पर जो फास्ट वर्ड है ये हाउ का आंसर है, अर्थात ही रेन, वह दौड़ा। हाउ, कैसे दौड़ा, फास्ट। तो यहाँ पे ये फास्ट वर्ड एडवर्ब है, क्योंकि हाउ का आंसर है, इसके साथ ly लगाना गलत है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ही रेन फास्टली, ठीक है, ये ly नहीं लगेगा यहाँ पे। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज ए फास्ट ट्रेन। लेकिन यहाँ पे हार्ड की तरह ही फास्ट वर्ड भी सेंटेंस में ट्रेन नाउन से पहले लगा हुआ है। ये नाउन है, ट्रेन वर्ड नाउन है, तो नाउन से पहले लगा हुआ है, और ये इस ट्रेन जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद है डोंट टॉक लाउड, अर्थात ऊँचा मत, ऊँचे बात मत करो। तो डोंट टॉक, बात मत करो। हाउ, लाउड। तो यहाँ पे लाउड वर्ड हाउ का आंसर है, इसलिए यहाँ पर ये हाउ जो लाउड वर्ड है ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। हम डोंट टॉक लाउड भी कह सकते हैं और डोंट टॉक लाउडली भी कह सकते हैं। लाउड और लाउडली दोनों एडवर्ब हैं और एक जैसा मीनिंग देते हैं। तो हम चाहे यहाँ पे लाउडली कह लें, चाहे यहाँ पे लाउड कह लें, बोथ विल बी करेक्ट।
हालांकि फास्ट के साथ हम एलवाई नहीं लगा सकते हैं, फास्ट के साथ एलवाई लगा के फास्टली नहीं कर सकते हैं, लाउड के साथ आप लाउडली भी कह सकते हैं, एलवाई लगा सकते हैं और लाउड भी कह सकते हैं। तो डू नॉट टॉक लाउड कह सकते हैं या डू नॉट टॉक लाउडली भी कह सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन अगर हम बोलें ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, उसने एक ऊंची आवाज़ वह ऊंची आवाज़ में बोला, तो यहाँ पर जो लाउड वर्ड है वो फास्ट और हार्ड की तरह ही जो वॉइस वर्ड है इसके बाद जो कि नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, और इस वजह से यह है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो लाउड वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा संभल के यूज़ करना चाहिए। अगर ये सेंटेंस में हाउ का आंसर हो तो ये एडवर्ब होता है, और अगर ये किसी नाउन से पहले लगा हुआ हो तो फिर ये एडजेक्टिव हो सकता है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि लाउड भी एडवर्ब की जगह में जब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हम इसको लाउड भी कह सकते हैं और इसके साथ हलवाई लगाकर इसको लाउडली भी बना सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में ये एडवर्ब का काम करेगा और नहीं ये हाउ का आंसर देगा। हालांकि अगर किसी नाउन से पहले अगर ये लगा हुआ होगा तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा। आगे है आई गॉट दिस बुक फ्री। अब कुछ ऐसी एडवर्ब्स देखते हैं जो हालांकि एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम उनमें एलवाई लगा दें तो उनके मीनिंग में, हालांकि एलवाई लगा देंगे तब भी एडवर्ब रहेंगी और बिना एलवाई के भी एडवर्ब रहेंगी, लेकिन उनके मीनिंग में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, उनका मीनिंग बदल जाएगा, बिना एलवाई के मीनिंग कुछ अलग रहेगा, एलवाई लगाने के बाद मीनिंग कुछ अलग रहेगा। तो देखते हैं, आई गॉट दिस बुक फ्री, मैंने एक पुस्तक फ्री में प्राप्त की। यहाँ पे फ्री वर्ड, मैंने यह पुस्तक कैसे प्राप्त की, फ्री में। तो यहाँ पर जो ये फ्री है ये हाउ का आंसर है, तो ये एडवर्ब है यहाँ पे। लेकिन आगे देखिए, बर्ड्स लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट, पक्षी जो हैं मंदिर में स्वतंत्र रहते हैं। यहाँ पे फ्री के साथ मैंने एलवाई लगाया और एलवाई लगाया तो वर्ड बन गया फ्रीली, लेकिन ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये भी हाउ का आंसर है, ये भी हाउ का आंसर है। ठीक है, बोथ आर एडवर्ब्स दे हेयर, परंतु क्या है कि दोनों के मीनिंग में अंतर है। यहाँ पर इसका मीनिंग है मुफ्त में और यहाँ पर इसका मतलब है स्वतंत्रतापूर्वक। इसलिए इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फ्री वर्ड के साथ अगर आप एलवाई लगा देंगे तो ये एडवर्ब भी रहेगी, नहीं एलवाई लगाएंगे तो भी एडवर्ब भी रहेगी, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होगा। फ्री का मतलब होगा मुफ्त में, फ्रीली का मतलब होगा स्वतंत्र रूप से। आगे है, आई वॉज लेट फॉर स्कूल टूडे, आज मैं स्कूल से लेट हो गया। यहाँ पर जो लेट वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि बी की फॉर्म के बाद हम या तो नाउन लगा सकते हैं या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन तो है नहीं तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई वॉज लेट फॉर स्कूल टूडे, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। लेकिन हम सेंटेंस देखते हैं, माई अंकल हैज़ लेटली कम बैक फ्रॉम डेली। यहाँ पर जो ये लेटली वर्ड बना ये लेट के साथ हलवाई लगाने से बना, इस लेट के साथ हलवाई लगाने से बना है। तो लेकिन ये सेंटेंस में हाउ का आंसर है यहाँ पर, माई अंकल हैज़ लेटली कम बैक फ्रॉम डेली, मेरे जो चाचा हैं वो दिल्ली से अभी अभी वापस लौटे हैं। ये यहाँ पे लेटली जो है, लेटली मीन्स रिसेंटली, हाल ही में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर इसको देखना है आपको ध्यान से, ये हाउ का आंसर नहीं है, ये व्हेन का आंसर है। तो जो शब्द वैन का आंसर होते हैं सेंटेंस में वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बस यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लेट वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है, इसके बाद एलवाई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन लेट का मतलब होता है देरी से, और या देर, और माई अंकल हैज़ लेटली अगर एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा हाल ही में। आगे है साउंड स्टैंड नियर, नज़दीक खड़े हो। तो यहाँ पर ये नियर है ये वेयर का आंसर है, स्टैंड खड़े हो जाओ, वेयर नियर, तो जो शब्द वेयर का आंसर होते हैं वो भी एडवर्ब होते हैं, तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जो शब्द वेयर का आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर मैं एलवाई लगा दूँ ही इज़ नियरली डेड, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक है, क्यों एडवर्ब है यहाँ पर ये, क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है, डेड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम कोई वर्ड लगाते हैं और जब वो वर्ड एडजेक्टिव को ही एक्सप्लेन करे, एडजेक्टिव के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर भी ये एडवर्ब है। लेकिन आगे देखिए, ही इज़ माई नियरेस्ट रिलेशन, यहाँ पर जो ये नियर है इसके बाद ये वर्ड रिलेशन है जो कि नाउन है,
और इसलिए ये क्योंकि नाउन से पहले लगा हुआ है ये, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो नियर को आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। नियर यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे नियरली, नियरली का मीन्स लगभग, ठीक है, लगभग। ही इज़ नियरली डेड, वह लगभग मर चुका है। तो यहाँ पे हम इसको नियर को एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ एल वाई लगा कि इसको एडवर्ब भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स जिसके साथ हम एल वाई लगा दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। हालांकि बिना एल वाई के भी एडवर्ब रहती है और एल वाई लगाने के बाद भी एडवर्ब रहती है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।